डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रोक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैद्युत विभव, इसके पहले की क्लास में हम लोग वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपको इसके पहले लेक्चर में बताया जा चुका है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई आवेश रखा गया होता है तो उस पर QE का बल लगता है। इसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, और एक कोई आवेश रखा गया है तो उस पर प्लस QE बल लगेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसी दिशा में, यदि निगेटिव चार्ज है तो उसके विपरीत दिशा में बल लगता है, क्योंकि ये भी वैद्युत क्षेत्र से ही संबंधित है। जब वैद्युत विभव क्या है, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, ध्यान दीजिएगा, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम सरल शब्दों में समझें, जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अभी आप परिभाषा में देखेंगे कि V बराबर W अपान Q नॉट होता है। क्यू नॉट वहाँ पर हम इसलिए नगण्य मान ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं परीक्षण आवेश काल्पनिक आवेश होता है, उसका ना तो अपना द्रव्यमान होता है और ना ही अपना कोई भार होता है। ये आप लोगों ने देखा कि वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी धन परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, आपको इसके पहले की क्लास में बताया गया है, धन परीक्षण आवेश यह टेस्ट चार्ज होता है। धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। धन परीक्षण आवेश आप जानते हैं या ये काल्पनिक आवेश होता है, इसका ना तो अपना कोई द्रव्यमान होता है और ना ही कोई अपना वैद्युत
क्षेत्र होता है, ना ही कोई द्रव्यमान होता है और ना ही कोई वैद्युत क्षेत्र होता है। यहां पर यदि हम इसको सूत्र के रूप में लिखें, माना घन परीक्षण आवेश क्यों नाट है, माना कि यदि जो घन परीक्षण आवेश है वो क्यों नाट है, क्या है क्यों ना, यहां पर क्यों जीरो लगा देते हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब इसको जब हम अनंत से, इस आवेश को हम अनंत से किसी भी वैद्युत क्षेत्र में ले आएंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। आप ये देखिए B बराबर W अपान Q, जहां W क्या है, किया गया कार्य है, ये क्या है, किया गया कार्य है, और Q क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, और बी आप को पता है वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव है। आपको इसके पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जब हम किसी भौतिक राशि का अध्ययन करते हैं तो उस भौतिक राशि के बारे में हम चार बातें जरूर पढ़ते हैं, जानते हैं कि वह भौतिक राशि सदिश होगी कि अदिश होगी, उस भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा, उस भौतिक राशि का विनिमय सूत्र क्या होगा। तो इन बातों का हम जरूर अध्ययन करते हैं, उसका सूत्र क्या होगा, इस प्रकार से। तो यहां पर हम वैद्युत विभव का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव का मात्र, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखिए मात्रक को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। यहां पर क्या है, बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यों ना। प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक वीडियो होगा। देखिए बी बराबर डब्ल्यू अपार क्यों ना, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, कार्य का मात्र क्या होता है, एसआई पद्धति में जूल होता है, क्यों का कूलाम होता है, डी का, अब यहां पर देखिए क्या हो गया, एक जूल बटे कूलाम हो गया, यह उसका एसआई पद्धति में मात्रक है। ध्यान दीजिएगा इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे कूलाम, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे कूलाम होता है, बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। ये एसआई सिस्टम अर्थात यम के एस सिस्टम का मात्रक है। अब हम लोग इसका विनिमय सूत्र याद करेंगे, बी वैद्युत विभव का
सूत्र, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए, आप जानते हैं विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना होता है सबसे पहले उस भौतिक राशि का सूत्र लिखते हैं। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र ज्ञात करना है बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नाट हो गया। आपको विभव का विमीय सूत्र याद करने के लिए कार्य और आवेश का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि आप लोग परिचित हैं। B बराबर कार्य का विमीय सूत्र EM EL की पावर 2 और T की पावर माइनस 2, Q बराबर I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, वहां से A इंटू टी हो जाएगा, M L की पावर 2 ही रहेगा, T की पावर ऊपर जाएगा तो एक माइनस अप हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, A की पावर माइनस 1 हो जाएगा। आप ये देखिए ये B का विमीय सूत्र हो गया, M L की पावर 2, T की पावर माइनस 3, A की पावर माइनस 1 हो गया। आप जानते हैं प्रत्येक किसी भी पद्धत में, MKS पद्धत में, CGS पद्धत में या PS पद्धत में विमीय सूत्र बदलता नहीं है। जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है, यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसकी कोई दिशा नहीं होती है। और आप छोटी छोटी बातें सीखते चलिए, जिन भौतिक राशियों, जो भौतिक राशियां अदिश होती हैं उनको हम बीजगणितीय विधि से जोड़ते और घटाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो भौतिक राशि अदिश होगी उनको हम बीज गणितीय विधि से जोड़ते और घटाते हैं। यहां पर आपने मात्रक देखा, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, सूत्र आदि का हम लोगों ने देखा। वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस प्रकार से हम लोग बिल्कुल सामान्य भाषा में समझते हैं, आप लोगों ने जल देखा है, बिल्कुल देखे हैं ना सभी लोग, जल बहता है, जल फ्लो करता है ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात जहां जिस तल में जल ज्यादा होगा वहां से उस तल से फ्लो करेगा और जिस तल पर कम होगा उसी की तरफ फ्लो करता है। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। मान लीजिए आप इस प्रकार से, आप ये समझिए दो टैंक है हमारे पास, दो टैंक है, अब इसको इसमें से कनेक्ट कर दिए, इसमें जल ज्यादा है और इसमें कम है तो इधर से इधर की तरफ आएगा, आएगा ना। जिस प्रकार से ताप ऊंचे टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, उसी प्रकार से वैद्युत विभव भी ऊंचे विभव
ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर धन आवेश प्रवाहित होते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल धन आवेश सदैव फ्लो करते हैं। जहां पर विभव ज्यादा होगा वहां से कम विभव की ओर आवेश प्रवाहित होते हैं, ना कि विभव प्रवाहित होता है, ना कि विभव प्रवाहित होता है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज इज फ्लो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज इज फ्लो। यहां पर एक बात याद रखिएगा, क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है। और चार्ज कब तक फ्लो होगा, आवेश कब तक फ्लो होगा? जब तक यहां पर क्या हो जाएंगे, इक्वल पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा, तब तक चार्ज क्या होगा, वहां पर फ्लो होता रहेगा। तब तक क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जब हम किसी वैद्युत विभव वाले चालक को धरती से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद वहां का पोटेंशियल क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कोई भी चालक है तो यदि चालक है, आप ये देखिए, मान लिया कि ये कोई चालक है, इस पर ऋण आवेश है। क्या है? ऋण आवेश है। जब ऋण आवेश है तो ये कहां पर चले जाएंगे, अगर पृथ्वी से कनेक्ट करा दिया गया है, ये इसका एरो का मतलब ये नीचे आ रहे हैं। नीचे कहां पर आ रहे हैं? ये धरती पर आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं? धरती पर। कब? जब हम ये देखिए, ये किसका चिन्ह है? ये है अर्थ कराने का। किसका चिन्ह है? ये अर्थ का है, EARTH। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहाँ देखिए, ये किसका चिन्ह है? ये अर्थ का चिन्ह है। अगर कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वहां पर पोटेंशियल क्या है, शून्य है। और यदि यहाँ पर मान लीजिए चालक है और पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल करने के पश्चात यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, इस चालक का शून्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप वीडियो में पूर्ण रूप से सक्रिय बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।